ब्लैक पेंट करने के बाद देखना बाइक ना, बहुत ही मस्त दिखने वाली। यहाँ पे एक बाइक पड़ी थी RX 100, उसके लिए बहुत सारी कमेंट आ रही थी। बाइक पे फाइनली कोटिंग लग रहा है, ये जो हमने अस्तर किया उसके बाद देखो यहाँ पे दिख रहा है गड्ढा, देखो ये सब गड्ढे हैं छोटे छोटे, उसको कवर करना है। सो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। कल हमने बाइक बाहर निकाला था फिनिशिंग के लिए, तो कल वहीं पे काम स्टॉप कर दिया था, लेट हो चुका था। तो आज हमारी बाइक बाहर ही है, उसको फिनिशिंग करेंगे, चेसिस के ऊपर ब्लैक कलर का पेंट चढ़ाएंगे। पेंट करने से पहले तो अपन उसका रेडो शेड करेंगे। अभी आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, अभी अपनी बाइक बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। चलो मीनू पे के शॉप पे एंड वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। चलो अभी अपन शॉप पे आ चुके हैं एंड अपना काम स्टार्ट करते हैं। अजय भाई कैसे हो भाई? और भाई कैसे? बस बस एकदम बढ़िया। जो कल हमने इसके ऊपर ढक के रखा था सब, वो सब निकालेंगे एंड बाइक को लेंगे बीच में। उस्ताद थोड़ा बिजी आज, दूसरे बाइक का काम है एंड मैं राजा भाई इसके पीछे लगेंगे, पूरा कमेंट करके छोड़ेंगे इसको आज। आज इस पर सर्विस कोटिंग हो ही जाएगा पक्का। ओके एंड हाँ, जो जो चीज़ ऐसी है ना जो उसके ऊपर पेंट नहीं करना है वो उसको ढक देंगे मास्किंग टेप से। हाँ वो सब ढक देंगे ना। चलो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसके ASD बॉक्स को मतलब पैक कर देंगे, टैपिंग कर देंगे, क्योंकि ये जो ब्लैक हो गए ना तो मज़ा नहीं आएगा, ये तो पूरा गोल्ड दिखना चाहिए। तो जो चीज़ हमको टैपिंग करनी है फटाफट टैपिंग कर देंगे, उसके बाद इसके ऊपर अस्तर कोटिंग लगाना चालू करेंगे। देखो यहाँ पे हमने पेपर टैपिंग किया एंड ऊपर यहाँ से पन्नी से टैपिंग करेंगे। यहाँ पे एक बाइक पड़ी थी RX 100, उसके लिए बहुत सारी कमेंट आ रही थी, तो राजा भाई आपको RX 100 लानी पड़ेगी। आप बिकवा दोगे YouTube पे? हाँ हो जाएगा। तो भाई आपको RX 100 बाइक देखनी है, वो शेयर करने के लिए आए थे, वो शेयर हो चुकी है। तो आपको दूसरी बाइक चाहिए तो आपके लेके आएंगे, पूरी डिटेल देंगे, कमेंट करो कि RX 100 का डिटेल। आज मैं आपको बहुत ही अच्छे अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ से आप डेली 200 से लेके 2000 तक कमा सकते हो। गाइस 365 एक कलर प्रेडिक्शन गेम है, मैं जहाँ पे आपको रेड एंड ग्रीन कलर को प्रेडिक्ट करना है, इसमें हर 3 मिनट में रिजल्ट आता है जो नीचे शो करता है। कंपनी दिन में 12 बार ऑफिशियल प्रेडिक्शन देती है, जिसे खेल के आप डेली अर्निंग कर सकते। आप यहाँ पे लोगों को इनवाइट करके भी अर्निंग कर सकते। पर मेंबर आपको 150 रुपए मिलेंगे 200 रुपए का रिचार्ज करने पर। मिनिमम विड्रॉल इसका 300 रुपए एंड मिनिमम रिचार्ज इसका 200। अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग करना चाहते हो तो एग्नेट वर्क भी कर सकते हो, जहाँ पे आप 5000 रुपए एक दिन में अर्निंग कर सकते। मैंने अभी यहाँ पे रजिस्टर एंड रिचार्ज किया, मैं यहाँ से खुद बहुत सारी अर्निंग कर रहा हूँ। तो ये आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन होते हो, उसमें जैसे आपको गाइड किया जाएगा वैसे आपको फॉलो करना। जल्दी से रजिस्टर एंड रिचार्ज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी जहाँ जहाँ पे हमको ग्राइंडर से घिसना था, देखो ये फिनिशिंग जो बाहर दिखता है ना जो पार्ट, उसको हमने फिनिशिंग कम्प्लीट कर दिया है। अभी क्या करेंगे, अभी इसके ऊपर एयर लगाएंगे प्रेशर से कि सब डस्ट निकल जाए, उसके बाद कोटिंग का काम चालू। चलो एंड वायरिंग हमारा ब्लैक हो जाएगा, वायरिंग की कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ पे वायरिंग के पॉइंट है वहाँ पे अपन टाइपिंग कर देंगे कि अंदर पेंट ना चला जाए, कोटिंग वोटिंग ना चला जाए। अपने बाइक पे फाइनली कोटिंग लग रहा है, कोटिंग लगने के बाद ब्लैक पेंट होगा। अभी जो हो रहा है पेंट नहीं हो रहा है, कल जो हुआ था कोटिंग हुआ था पार्ट के ऊपर, वैसा कोटिंग होगा इसके ऊपर। रेडो साइड एंड अस्तर कोटिंग दोनों को मिक्स किया है कि हार्ड बने, कल बताया था वैसा उसका ने बनाया हुआ है मटेरियल, हम लगा रहे हैं तो राजा पे लगाएंगे, उस तरह का काम चालू है वहाँ पे। चलो आपको दिखाते हैं पूरी बाइक।
तो गाइस तो आपने देखा कि धवल भाई की बाइक पर हमने अस्तर कोटिंग लगा दिया है ना धवल भाई? हाँ लग गया अभी भाई, बहुत दिन बाद, मतलब जब भी मैं आता हूँ मीनू भाई होते ही नहीं यहाँ पे, मतलब काम इतना है ना, बहुत सारी गाड़ी पड़ी मीनू भाई के पास। मीनू भाई जाओ पैसा पैसा धवल भाई, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं है, कोई अपना को जानता नहीं है, पैसा नहीं होता तो सही है। देखो गाड़ी हमारी एकदम कोटिंग कोटिंग हो चुकी है, राजा किया तो कब बताए मीनू भाई, ऐसा पूरा गाड़ी कर दिया, क्या बात है, बस थोड़ा टाइम और। आज क्या गैस कॉल नहीं है इसके लिए ने यो, ये जो है ना साइड की पैनल जो बनाई हुई थी इसको बाकी है, इसके लिए पेंट बन रहा है दूसरा, बट बाइक के ऊपर पूरा हो चुका है, इंजन देखो, चेंजेस देखो, स्विंग गम मेकअप सब के ऊपर। चल भाई काम करते हैं, अपने यही पेंट रखते हैं, ये पेंट रखेंगे ना, अच्छा लगे, ब्लैक अच्छा लगे। तो पूरी बाइक पे तो कर दिया कोटिंग, नीचे भी हो गया ना भाई, राजा भाई ने नीचे भी कोटिंग कर दिया, नीचे पूरा शो के कर दिया, क्या बात है। अभी इस पे कर दो ना, ये वाला पैनल पे, सीख गया भाई, आपका काम एक नंबर हो गया, चलेगा चलेगा। तो गाइस अभी 4:30 बजने वाले हैं एंड लंच हो चुका है खत्म, ये चीज बाकी रह गई थी साइड की जो पैनल थी, ब्लैक पेंट करने के बाद देखना बाइक ना बहुत ही मस्त दिखने वाली है, चेंजेस के साथ बहुत मजा आने वाला है। ये खत्म होते ही इसको पूरा अंदर रख देंगे ढक के बाइक को, दोनों मैं भी निकालेंगे, मैगुल के ऊपर बहुत सारा काम करना है, फिनिशिंग नहीं है, देखो आपको पता पहले मैंने दिखाया था, देखो यहाँ पे फिनिशिंग नहीं है, तो इसके ऊपर लापी लेवल या कुछ और करके उस तक बोलेंगे वैसा मटेरियल भर के फिनिशिंग करेंगे एंड उसको पेंट करेंगे। मैगुल के ऊपर अपन वाइट पेंट करने वाले हैं, दोनों मैगुल के ऊपर वाइट पेंट होगा, उसको भी निकालना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल चलेगा। राजा भी सुबह से इसका काम कर रहे हैं हमारी बाइक का कोटिंग का, एंड अभी फिलहाल राजा भाई ने हेयर कट करवाए हुए, बहुत ही मस्त दिख रहे हैं, पकड़ के क्या किया है लाइन कर दी अंडरलाइन की। वो तो सूख रहा है, सूखने में टाइम लगेगा अभी, तो तक अपन करेंगे टैंक के ऊपर फिनिशिंग। ये जो हमने अस्तर किया उसके बाद देखो यहाँ पे दिख रहा है गड्ढा, देखो ये सब गड्ढे हैं छोटे छोटे, उसको कवर करना है, बट टैंक देखो कैसी लग रही है, फिनिशिंग बहुत ही मस्त आ रहा है। उस तक काम था बाइक को चालू करना, पूरा इंजन बनाना, इंजन बन चुका है, अभी यहाँ पे लगे हुए है, मतलब मुझे लगता है कि आज राजा पे ही सब कुछ करने वाला है। ये एनसी पुट्टी है ना, हमने लगाई थी वो येलो पुट्टी थी। ये वाली एनसी पुट्टी ग्रे पुट्टी है, तो कोटिंग के बाद ये वाली पुट्टी लगती है, देखो तारा लिख के एनसी। तो यहाँ पे छोटे मोटे जो गड्ढे हैं वो कवर कर रहे हैं, देखो मैंने आपको बोला वैसा सब पार्ट पे, वो सब पार्ट पे कवर करने के बाद फिनिशिंग होगा, फिनिशिंग करने के बाद पेंट नहीं लगेगा, पेंट का कोटिंग आएगा। इसकी धारा देखो कितनी सारी है, फटी हुई जगह को राजा भाई पुट्टी भरेंगे, तो अभी ये जो हमने पुट्टी लगाई वो फिनिशिंग हाथ से करेंगे, एंड उसका दो जो हमने इंजन पे बाइक पे लगा के रखा है कोटिंग, वो रेड ऑक्साइड है और इसके अंदर सरफेस है, दोनों को मिक्स करके मारा, हाँ मजबूत हो जाएगा, वो तो अभी सूखेगा नहीं ना, नहीं तो उसको भी ब्लैक नहीं करना है, क्योंकि अभी ब्लैक करेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, उसकी पकड़ नहीं रहेगी, एक रात सूखने देंगे, कल आके उसके ऊपर ब्लैक कल करेंगे उस तक बोलेंगे वैसे, बट उसके पहले ये जितने भी पार्ट है हमारे देखो यहाँ पे सब सूख रहे हैं, वो पार्ट के ऊपर हमको एनसी पुट्टी लगानी है, जैसा हाथ से लगा रहे हैं, तो टाइम लगने वाला है हाथ से पुट्टी करने में, महान महान कारीगर है हमारे पास। उस तक जैसे लापी लगा रहे हो इससे हाथ से, तो जो वो मीनू बोल रहे कि मैं लगाता हूँ जीप से
कैसे ऐसे लाभ लगती है डाले मुँह पे मतलब हर कोना कोना हर छोटी मोटी खांस जो दिख रही है सबको एनसी पुटी लगाना पड़ेगा। बस 3 घंटे से एक ही पैनल अभी 2 ही बजे अभी नहीं 2 ही बजे वो देखो रात के 2 बजे अभी इंडिया में नहीं है टैंक हो चुकी है कंप्लीट मतलब ऐसा लगता है कि इसके ऊपर वो स्प्रे कोटिंग कर दिया। हाँ, अच्छे क्या हुआ भाई तो गाइस अभी मास्क की बारी ओके, मास्क में इतना फिनिशिंग लगता नहीं है तो भी करेंगे नहीं लगता है लगता है छोटा मोटा दे भाई ये रहा ना नहीं वो वॉल है वो आएगा ना वाइजर करना मशीन की तरह काम कर जाओ देखो कैसे ब्लैक मैन करता है अब तो नहीं 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 मतलब लोग सोच रहे होंगे कि मीनू पे दिखते क्यों नहीं क्योंकि मीनू पे की बारी का बाय की जो फिटिंग करना है तब ये सब में अपना काम नहीं दौल भाई ये सब मीनू का काम नहीं है। कलर अपने का दौल फिटिंग अपने से होगी मोड़ी भाई अपने करेंगे। हां मोड़ी भाई अजय भाई करेंगे जता रहो देखो मास्क के ऊपर भी एनसी पुट्टी लग चुकी है कंप्लीट राजा पे लगा और एक ही पैनल 4 घंटे नॉर्मल भाई चेंज हो गया देखो चेंज हो गया हाँ वो सीट का काउल है सीट की पैनल साइड के छोटे से ठीक है अभी साइड के पैनल के ऊपर करेंगे आज यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है। आज जो हमने किया काम आपने देख ही लिया कि हमारी बाइक चेंचिस एंड उसका साइड का फ्रेम स्विंगम सबके ऊपर कोटिंग लग चुका है रेडॉक्स साइड एंड अस्तर कोटिंग दोनों मिक्स करके बनाया हमने मटेरियल जो बनाया ना अच्छा मटेरियल बनाया कि बहुत लॉन्ग टाइम तक इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा मतलब पेंट नहीं हुई है सिर्फ हमारा रेडॉक्स साइड है कोटिंग है इतना मस्त दिख रहा है अभी आपको जितना पार्ट ऐसा दिख रहा है रेडॉक्स साइड उतना होगा ब्लैक कल पूछता जैसा काम किया राजा भाई ने चलो सही है छोटी मोटी चीज़ हमको जाने देनी नहीं है वो भी हमको कवर करना है इसके लिए मज़ा आएगा आगे देखना कि मतलब आप समझ लो कि पेंट कैसा होने वाला है पेंट खतरनाक होने वाला है इतनी सारी जो मेहनत कर रहे हैं ना तो पेंट तो गजब होगा क्या राजा भाई मज़ा आएगा पेंट तो कुछ अलग से होने वाला है जो R1M बनी थी उससे भी कुछ हटके बनी हाँ इस बार ना हमारा इस बार हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा मतलब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा तो पूरा करेंगे सबसे अच्छा वही तो बस ये सकते इतना ही अभी मिलते हैं कल तो तक बाय बाय टेक केयर।